सब आराम से सो के ना अपने बिस्तरों से उठते हैं और उठ के नाश्ता करते हैं। बहुत ईजी है ये करना है, लेकिन हमने सोचा कुछ नया करते हैं। हम लोग आए हैं इस टाइम पे, यह है डोंगा गली। पीछे अगर आप मेरे देखें, बहुत प्यारी जगह है ये। नतिया गली से थोड़ी आगे जाके आती है डोंगा गली, इस जगह का नाम है। और ये ट्रैक बना हुआ है डोंगा गली में। ये ट्रैक शुरू होता है डोंगा गली से और जाके ख़त्म होता है अयूबिया। अयूबिया नाम तो सुना होगा, मरी अयूबिया। हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा नजर आया। तो अभी हम इस ट्रैक पर जा रहे हैं, सामान हमारे साथ है और हम जा के करेंगे क्या नाश्ता। क्राउच, तुम्हारी तस्वीर इधर लगी हुई है, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हो तुम यहाँ पे। ये देखो, ये देखो। ये ट्रैक 4 किलोमीटर का है, ठीक है। 1 किलोमीटर हम लोग कर आए हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर था ना क्राउच? या इट वाज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। और अभी 3 किलोमीटर हमारा बाकी है। सेम ट्रैक है, बहुत खूबसूरत है। रास्ते में मैंने आप लोगों को तस्वीर भी दिखाई थी, हमारा भाई यहाँ पे बहुत मशहूर है, इसकी तस्वीर लगी हुई थी। और अभी हम आगे जाएंगे क्योंकि पहले हम सरवन की पहाड़ी पे चढ़े थे, उसकी वजह ये थी कि उसको भूख लग रही थी, हमने ऊपर जाकर नूडल्स खाने हैं। और आज हम यहाँ पे आए हैं, उसकी भी वजह ये है, इसको भूख लग रही है, यहाँ पे आके नाश्ता बनाएंगे। Yes, I'm going to make a special breakfast for Salma today, and he will remember it forever. When he goes back to Saudi Arabia, he will surely remember this breakfast. I'll go. I have something special. If I went anywhere in the world, I'm gonna remember all these. I'll take this memories with me. Oh my God, I'll cry. आज से ठीक 4 से 5 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, शायद 6 साल हो सकते हैं, मैं जब पाकिस्तान में आया था तो मैंने जो पहला क्लब ज्वाइन किया था, उसमें जो मेरे साथ स्ट्राइकर थे वो थे हमारे जकी भाई। और जकी भाई से मैं काफ़ी अर्से बाद मिल रहा हूँ, यानी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। और हम मिले भी कहाँ, एक जंगल की ट्रिप पे, पता भी नहीं चला। यानी आज की जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ना, ट्रिप स्पॉन्सर की भी जकी भाई की तरफ से, वही हमें लेकर आए। और दूसरा बंदा जो, वो तो धर्म ने उसको काम पर लगा दिया। वो झूला याद है पिछले व्लॉग वाला, वो झूला भी इधर लगेगा और नाश्ता, इसको सिर्फ भूख लगती है। और वैसे ये परफेक्ट जगह है झूले के लिए। हम लोग इस टाइम पे लिटरली जंगल के बीचों बीच है, निगरा मेरे चारों तरफ देखो तो जंगल है। और यहाँ पे शेर भी पाया जाता है, ऐसा जकी भाई ने बताया। हाँ सही, बिल्कुल सही आ रहे हैं। इजी 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 तो क्राउच, क्या क्या लेकर आए हो नाश्ते के लिए, क्योंकि सारा प्लान ही ब्रेकफास्ट का है। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट टॉपिंग है, अच्छा उसके अलावा ब्राउन ब्रेड है, और साथ में कॉफ़ी है। कॉफ़ी के साथ साथ हमारे पास चिकन स्प्रेड है, ओके, और उसके अलावा जैम है और बाकी चीज़ें हैं। सही, ये तो लगता है सही, डाढ़ो मज़ा आएगा। एग्स हैं, डू नॉट फॉरगेट एग्स ऑन एनी एडवेंचर्स। बहुत मज़ा आएगा ना। या वीआईपी नाश्ता इन्हें छोड़ दे, सामा इन्हें छापरों को ज़रा इधर करके फोन कराओ। जैसा नाश्ता तुम्हें घर में भी नहीं मिलता होगा, क्यों? क्यों तुम हमें करा रहे हो? यानी कपकेक, ड्राई फ्रूट, क्या स्लाइसेस, जिसके अंदर हमने क्या क्या लगाया, ये सऊदीया में नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, चटपटी मसालेदार, ये सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। बॉइल्ड एग्स एंड देन कैपेचिनो, सब कुछ तो है यहाँ पे। नाश्ता करने के बाद ये जो कचरा है ना, ये भी हम उठाएंगे। और आप लोग भी जा जाओ, सारा साफ करके हटा करो यार, अब साफ रखा करो जगह को। हमने जो गंद किया है हम खुद उठाएंगे। ये अंडे क्राउच के हैं, या मतलब उसने खाए हैं।
बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, खा पी लिया जिस मकसद के लिए हम आए थे, और अब हम वापस जा रहे हैं सेम ट्रैक से जिसकी एक तरफ लगती है डूंगा गली। डूंगा गली का मतलब ऐसा है कि डूंगा कहते हैं गहरी चीज़ को, और ये गली बहुत गहरी है। और दूसरी साइड पे अयूबिया है हमारे, लेकिन हम अयूबिया नहीं वापस जा रहे हैं। वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ट्रैक घूम के वहीं पर जाता है और हम वहीं से चल के आए। बहुत दूर है यार, अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यार। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से हूँ एबटाबाद, जिसकी चारों तरफ खूबसूरती है, चारों चारों हर तरफ खूबसूरती है। यानी लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान में, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए। वाव, और ये हमारे साथ ही है, घर के साथ हम लोग, अपना घर ही है। सुपर। ट्रैक का सफ़र ख़त्म हो गया, हम वापस पहुँच चुके हैं डीप स्ट्रीट, मतलब डूंगा गली। देखिए भाई, डीप स्ट्रीट इसका हमने थोड़ा मॉडर्न नाम सोचा है। You wanna say something? No, I don't want to say something. Enough. Now we should just go to our home and my mom. मैं पिछले ब्लॉग में ही बोला था तुम यहाँ से नहीं हो, तुम्हारा गोला कोई और है। फाइनली हम लोग तकरीबन 3 किलोमीटर के ट्रैक के सफ़र के बाद नाश्ता करके पहुंच गए, और अब रास्ता वापसी एबटाबाद का। कभी कभी इंसान थक जाता है ज़िंदगी की भाग दौड़ से, उस शहरी ज़िंदगी से जिधर सिर्फ रेस लगी हुई होती है और भाग दौड़ हो रही होती है। तो इंसान को ना साइड पे होके कुछ अलग सी जगह पर जाके कुछ टाइम गुजार लेना चाहिए, क्योंकि यकीन करो बहुत रिफ़्रेशमेंट मिलती है, एक अजीब सा सुकून होता है। बहरहाल अब हमारा टाइम है वापस जाने का। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी बहुत आया होगा। अगर मज़ा आया तो फिर आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। शुक्रिया।